लगता है ये भारतीय जनता पार्टी हमें मजबूर कर रही है कि हमारे लोग सड़कों पर उतरे। आपको याद होगा 10 तारीख को हमारे विरोध के बावजूद इन्होंने मंदिर को तोड़ दिया, 12 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय को मैंने स्वयं चिट्ठी लिखी पुरस्थापित करने की, लेकिन उस चिट्ठी पे अभी तक प्रधानमंत्री महोदय ने या केंद्र की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई भी सकारात्मक रूप नहीं अपनाया। अभी दो दिन पहले आपको याद होगा हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे हमने प्रदर्शन करके तब भी मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई केंद्र सरकार के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नहीं हुई है। मजबूरी में आज हमारे लोग उधर, आपने देखा होगा अमेरिका में प्रदर्शन चल रहे हैं, कनाडा में प्रदर्शन चल रहे हैं, इंग्लैंड में प्रदर्शन चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन चल रहे हैं, ऑस्ट्रिया में चल रहे हैं, जर्मनी में चल रहे हैं, और इधर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रविदास मंदिर वहीं बनेगा, वहीं बनेगा, वहीं बनेगा। आजादी, आजादी, आजादी। हमारी मांग है कि वो वापस हमारे जो धर्मगुरु हमारे आस्था के प्रति संत रविदास जी महाराज के मंदिर को वापस पुनर्स्थापित करवाएं तुगलकाबाद में, और वहीं पे दोबारा से मंदिर को पुनर्स्थापित करें और गुरु जी की मूर्ति को वापस से सम्मान पुनर्स्थापित करें। और वो ऐसा नहीं करते तो मुझे लगता है पूरे देश के 40 करोड़ लोग जो पूरी दुनिया के कोने कोने में बसे हैं उनकी आस्था को जिस तरह केंद्र की सरकार ठेस पहुँचाने का काम कर रही है, हमारे लोग जवाब देंगे, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से जवाब देंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे अपने साथियों को देश में सब अलग अलग जगह बसे अपने लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये देश हमारा है, हम मूलनिवासी हैं, इसकी संपत्ति हमारी है, कोई कृपया किसी प्रकार की सामाजिक संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए।